यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। शिक्षित युवा सम्मानित हुआ, इस नारे के साथ में हरियाणा सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की और योजना की हकीकत बेहद सोचनीय है। प्रदेश सरकार इस योजना के जरिए पढ़े लिखे युवाओं के साथ मजाक कर रही है। प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि ग्रेजुएट और पीजी डिग्री धारक बेरोजगारों को सरकार गोबर उठाने के लिए सक्षम बना रही है। बेरोजगारी का दंश ऐसा है कि ये युवा गोबर उठाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, पर उन्हें इसके लिए भी अपमान झेलना पड़ रहा है। रेवाड़ी जिले में MSc, BSc, BEd, MA और BTech पास 500 से अधिक बेरोजगार युवाओं ने सक्षम युवा योजना में पंजीकरण कराया हुआ है। इनमें से 200 से ज्यादा युवाओं को DRDA ने गांव में जाकर जैविक खाद के प्लांट तैयार करने का काम कर दिया है और साथ ही जैविक खाद के बारे में जानना और उसके प्लांट तैयार करना एक अच्छी सोच है, लेकिन बेटियों और दिव्यांग बेरोजगारों से घर से गोबर उठाना कहां तक जायज है। इतना ही नहीं, जब ये गोबर उठाने से मना करते हैं या किसी अभद्रता की शिकायत करते हैं तो सरपंच से लेकर प्रशासन तक उनको यही धमकी देते हैं कि रिलीव कर दिए जाओगे। इससे परेशान होकर प्रदेश भर से पंजीकरण कराने वाले 42,523 में से 30,378 सक्षम युवाओं ने काम ही छोड़ दिया है।